जी हाँ दोस्तों, तो क्या हाल है आप सब लोगों के। तो एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि ओएसए मॉडल के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, उसके लेयर्स के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें काफ़ी जगह हमने देखा था कि लेयर्स के अंदर ट्रांसमिशन मोड्स का भी जिक्र था। तो मैंने आपसे कहा था कि एक लेक्चर मैं इसका एक बनाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में कि आखिर में हमारे पास होते क्या हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डिटेल की तरफ जाके और देखते हैं हमारे पास क्या आखिर जो ट्रांसमिशन मोड हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं। तो इसकी डिटेल की तरफ कुछ आना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जाके देखते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमने बात की थी ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में कि जब भी डेटा किसी दो नोड्स के दरमियान ट्रांसमिट होता है, तो उसका जो डायरेक्शन का फ्लो हमें बताता है कि आखिर किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, तीन तरीके के मोड्स आते हैं हमारे पास। पहला तो हमारे पास होता है सिंप्लेक्स, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और तीसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास होता है फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले चल के हम लोग बात करते हैं सिंप्लेक्स के बारे में और देखते हैं आखिर हमारे पास के सिंप्लेक्स हमारे पास क्या काम करता है, क्या उसमें काम होता है हमारे पास। तो जैसे कि आप लोग अपने सामने यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के यहाँ पे, एक तो मेन फ्रेम है हमारे पास और एक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है। तो बेसिकली हमारे पास दो नोड्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, अब ये लिंक्ड हुए हैं आपस में। अब इनके दरमियान हमारे पास जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन मोड है हमारे पास, वो करता क्या है कि सिंप्लेक्स के अंदर सिर्फ एक नोड जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, और जो दूसरा नोड है हमारे पास वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास एरो बना हुआ है कि यहाँ मेन फ्रेम से हमारे पास डेटा ट्रांसमिट हुआ है, और यहाँ ये जो हमारे पास नोड है मॉनिटर वाला, वहाँ आके हमारे पास डेटा सिर्फ रिसीव हुआ है। अब सिंप्लेक्स के अंदर सिर्फ यही हो सकता है हमारे पास कि जो एक नोड है वो सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करेगा, ना वो डेटा रिसीव कर सकता है। और जो हमारे पास जो मॉनिटर वाला जो हमारे पास यहाँ नोड है, वो हमारे पास इस केस में देख सकते हैं आप लोग कि डेटा रिसीव कर रहा है। अब ये जो नोड है मॉनिटर वाला, वो हमारे पास यहाँ डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। बेसिकली एक नोड सिर्फ एक ही काम कर रहा है यहाँ पे, एक नोड हमारे पास यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करेगा और दूसरा नोड हमारे पास यहाँ पे डेटा रिसीव करेगा। तो ये काम होता है हमारे पास सिंप्लेक्स के अंदर कि एक नोड सिर्फ एक ही काम कर सकता है। एक जो दो नोड्स आपस में कनेक्ट हैं, किसी लिंक्ड हैं आपस में, तो उन दो नोड्स के दरमियान जो डेटा ट्रांसमिट होगा उनमें से सिर्फ एक नोड एक ही काम कर सकता है। या तो एक नोड डेटा ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ तो वो रिसीव करेगा। यहाँ पे मेन फ्रेम जो है हमारे पास डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और मॉनिटर जो है हमारे पास डेटा रिसीव कर रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई वर्बली कि ये सिंप्लेक्स के अंदर हमारे पास ये काम होता है। अगर इसकी कोई मुझे एग्जांपल देनी हो ना, तो बेस्ट इसकी एग्जांपल ये होगी कि आप लोगों का जो कीबोर्ड ले लें सिस्टम का, वो सिर्फ इनपुट दे सकते हैं हमारे पास। जाहिर सी बात है, जब हम उसको टाइप करते हैं तब सिर्फ इनपुट दे सकते हैं हम उसे, अपने का सिस्टम के अंदर इनपुट सिर्फ उससे दाखिल हो सकता है, उससे आउटपुट नहीं मिल सकता। और इसकी अगर आउटपुट की हमने मिसाल दी जाए, तो हमारे पास हमारी स्क्रीन है मॉनिटर की, वो हमें सिर्फ आउटपुट शो करेगी, इनपुट तो शो नहीं कर सकती ना, कि ना हम तो स्क्रीन के जरिए इनपुट भी दे सकते हैं और ना ही कीबोर्ड के जरिए हम लोग अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो बेसिकली इसकी यही एग्जाम्पल होगी कि सिंप्लेक्स के अंदर एक नोड एक ही काम करेगा, या तो वो डेटा ट्रांसमिट करेगा हमारे पास, या तो वो डेटा रिसीव करेगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थी मेरे पास कि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए कि आखिर सिंप्लेक्स होता क्या है। कीबोर्ड हमारे पास सिर्फ इनपुट लेगा और जो स्क्रीन है हमारे पास वो हमें आउटपुट देगी, तो आपस में लिंक तो हो गए ना ये दोनों। अब कीबोर्ड हमारे पास इनपुट दे रहा है और मॉनिटर जो हमारे पास आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से ऐसे जो ये मेन फ्रेम है वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और जो मॉनिटर है हमारे पास वो हमारे पास डेटा रिसीव कर रहा है। ये एक बात होगी सिंप्लेक्स की। अब बात करते हैं हमारे पास आगे चल के कि जो हाफ डुप्लेक्स है वो हमारे पास क्या काम कर रहा है। जी देखिए, अब हाफ डुप्लेक्स को और फुल डुप्लेक्स को समझना बहुत ही आसान है। आपने सिंप्लेक्स को समझ लिया कि वो एक दो नोड जो आपस में लिंक्ड है उसमें एक नोड एक ही काम करेगा, या ट्रांसमिट करेगा या तो रिसीव करेगा। अब ये हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो दो नोड या जो दो सिस्टम आपस में लिंक्ड है, एक नोड ये आपस में लिंक्ड है, वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हमारे पास जो कंडीशन क्या है वो ये है कि दोनों
आपस में एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। मतलब कि इस नोड से डेटा जा रहा है यहाँ इस नोड के ऊपर, तो एक वक्त में सिर्फ इसका डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होगा इसकी तरफ। अब इस नोड ने इसकी तरफ डेटा ट्रांसमिट किया, तो जब इसका सेशन यानी कि इसका टाइम ख़त्म हो गया, इसने इस तक अपनी बात पहुँचा दी और उसने रिसीव भी कर ली इस नोड ने। अब ये नोड उसके रिप्लाई बैक कर रहा है। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि इस नोड ने इससे बात करनी थी, इसने अपनी मैसेज इसे तक भेजा और इस नोड ने उसका मैसेज रिसीव किया। इस नोड ने अब उसे रिप्लाई बैक देना है, तो वो उसने रिप्लाई बैक दिया इस नोड को और इस नोड ने उसे रिसीव भी किया। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, ये है कि जब इस नोड ने इस नोड को डेटा भेजा, कोई मैसेज भेजा, तो जब पहले इसका मैसेज हमारे पास पहुँचेगा, एक वक्त में पहुँचा, पहले इसका मैसेज आया, उसके बाद इसने उसे देखा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा, उसने उसे देखा और उसने बाद में रिप्लाई बैक किया। जब इसने अपना डेटा भेज के ट्रांसमिशन का काम ख़त्म किया, तब इसने अपना डेटा भेज के ट्रांसमिशन का काम यहाँ के ख़त्म किया। मतलब यहाँ पे फुल डुप्लेक्स में हमारे पास बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो दो नोड्स आपस में लिंक्ड हैं, वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं दोनों, और दोनों नोड डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, अलग अलग टाइम पे ये हमारे पास होंगे, मतलब अलग अलग टाइम पे दोनों दोनों को अपना अपना काम सरंजाम देना होगा, जो भी उनके सुपुर्द आया होगा। सपोज मैंने वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि जब इसने इसको डेटा भेजा, इसने रिसीव किया एक टाइम में, अब उसके बाद इस नोड ने डेटा भेजा इस नोड को, तो इसने भी एक टाइम में भेजा। जब उसका टाइम इस नोड का टाइम डेटा भेजने का टाइम ख़त्म हो गया, तब इस नोड ने डेटा भेजा और यहाँ आके इस नोड ने उसे रिसीव किया। ये बात हो गई यहाँ पास फुल डुप्लेक्स के आखिर वो काम किस तरीके से करता है। अब इसकी एग्जाम्पल तो दे सकता हूँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ, जो आपको आसान लगे। तो वॉकी टॉकी की एग्जाम्पल होगी हमारे पास। बेसिकली जब वॉकी टॉकी से हम लोग टॉक करते हैं, तो पहले जो पर्सन बोल रहा होता है इस वॉकी टॉकी से, पहले तो उसकी आवाज़ जाती है दूसरे पर्सन तक जो उस वॉकी टॉकी से रिसीव करता है। कहते हैं ना ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट कि मेरी बात पूरी हो गई, अब आप अपनी बात पूरी करें, अब अपनी बात मुझे रिप्लाई में दें। जब किसी ने बोला और बोला ओवर ओवर एंड आउट, ठीक है, तो जब दूसरा पर्सन भी उसे भेजेगा अपनी बात, तो बाद में बोलेगा ओवर एंड आउट कि तो मेरी बात ख़त्म हो गई। तो यही इसकी एग्जाम्पल है कि वॉकी टॉकी की बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास आप लोगों को समझाने के लिए, हाफ टूप्लेक्स के लिए, कि ए दोनों जो दो आपस में नोड्स हैं वो डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि टाइम जो होगा वो अलग अलग टाइम होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आखिर हमारे पास जो आखिरी जो हमारे पास मोड है वो यहाँ पास फुल डुप्लेक्स। अभी फुल डुप्लेक्स हमारे पास क्या काम करेगा, अब देखिए सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स आपको समझ में आ गया। सिंप्लेक्स में ये था दो नोड्स हैं लिंक आपस में, लेकिन दोनों में से जो दो नोड हैं हमारे पास वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, या तो डेटा ट्रांसमिट करेगा एक नोड, या तो डेटा रिसीव करेगा एक नोड। और हाफ डुप्लेक्स में क्या था, दोनों नोड डेटा ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव भी करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे। अब फुल डुप्लेक्स की तो बात आपको सारी समझ में आ जाएगी। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि इसमें भी दो नोड आपस में लिंक्ड हैं और वो बात कर रहे हैं आपस में, मतलब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। दोनों नोड ट्रांसमिट भी करेंगे डेटा और रिसीव भी करेंगे, जैसे हाफ डुप्लेक्स कर रहा था। बशर्ते कंडीशन यहाँ पे इसमें एक ये आ जाएगी कि अब यहाँ जो है दोनों लोग एक ही टाइम पे डेटा रिसीव भी कर सकते हैं और डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। वहाँ हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था कि जब एक नोड हमारे पास डेटा ट्रांसमिट कर रहा था, तो दूसरे एंड पे आके डेटा रिसीव हो रहा था इस नोड को, एक टाइम ख़त्म हो जाता था हमारे पास आके। अब जो दूसरा नोड है वो फिर अपना डेटा भेजता था और तब आके डेटा रिसीव होता था यहाँ पे। मतलब दो दो टाइम क्रिएट हो जाते थे, टाइम 1 और टाइम 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में साफ आपको नज़र आ रहा है। उसी तरह से जो फुल डुप्लेक्स है हमारे पास, इसमें अब ये क्या होगा कि जो दो नोड कनेक्टेड है, लिंक्ड है, वो डेटा रिसीव भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे सेम टाइम पे। अब इसमें ना टाइम 1 क्रिएट होगा ना टाइम 2 क्रिएट होगा, एक ही टाइम में ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डेटा ट्रांसमिट भी करेंगे और डेटा रिसीव भी करेंगे। अगर इसकी मुझे बेस्ट एग्जांपल आपको देनी हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे आपने किसी को कॉल की, जाहिर सी बात है, अब आप उस एक ही टाइम में आप बोल रहे हैं, दूसरे की बात सुन रहे हैं, और कभी कभी तो ये हो सकता है दूसरे को बीच में चुप करवा के अपनी बात शुरू कर देते हैं, तो अरे एक ही टाइम पे बातें हो रही हैं।
एक ही टाइम पर दोनों बातें हो रही हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, उसकी आवाज़ सुनी भी जा रही है मोबाइल के थ्रू, और अपनी आवाज़ भी उसे दूसरे को सुनाई जा रही है एक ही टाइम पर। तो ये मेरे पास बेहतर एग्जाम्पल थी एक फुल डुप्लेक्स को समझाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंपल डुप्लेक्स के जो वर्क है हमारे पास, वो समझ में आया होगा कि आखिर हमारे पास वो किस तरीके के मोड जो हैं वो हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और प्लीज़ अगर आपको कुछ लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ताकि कुछ कमी पेशी रह गई हो तो पिछले लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा मैं और भी बेहतर तरीके से के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितना मैं आसान करके आपको समझा सकता था उतना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले जब हम लोग नेक्स्ट में लेक्चर लेके आएंगे, तब सोच रहा हूँ कि टोपोलॉजी है मेरे पास, सो जो कवर करवाऊँ कि वो उस टोपोलॉजी के बारे में आपको बताऊँ कि आखिर टोपोलॉजी होती क्या है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।